संसद में इन दिनों सरकार पर हमलावर हुई कांग्रेस पर ही हमला हो गया है। कांग्रेस पार्टी साइबर अटैकर्स के निशाने पर है। हैकर्स ने 24 घंटे के अंदर कांग्रेस पर दूसरा हमला किया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के बाद आज सुबह कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट को भी हैक कर लिया गया। हैकर्स ने कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से बेहद आपत्तिजनक ट्वीट किए हैं। हालांकि कुछ ही देर बाद कांग्रेस ने ट्विटर हैंडल दोबारा हासिल करके सभी ट्वीट डिलीट कर दिए। इससे पहले बुधवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट हैक कर उससे भद्दे कमेंट किए गए थे। वहीं हैकर्स ने कांग्रेस को और साइबर अटैक की धमकी दी है और लिखा है कि इसके पीछे उनका कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। एक ट्वीट में लिखा गया है कि अब कांग्रेस की आधिकारिक साइट और ईमेल्स को भी निशाना बनाया जाएगा, हमारे क्रिसमस स्पेशल का इंतजार कीजिए। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि इस तरह की घटिया चालों से तर्कपूर्ण बातें खत्म नहीं होंगी, ना ही आम आदमी के मुद्दे उठाने से राहुल गांधी पीछे हटेंगे। वहीं हैकिंग मामले को लेकर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, पुलिस कार्रवाई में जुटी है। तो 24 घंटे के अंदर कांग्रेस पर दूसरा साइबर हमला हुआ है। इस घटना ने साइबर सुरक्षा पर कई सवाल खड़े किए हैं। इसके पीछे कौन है, पुलिस इसका पता लगाने में जुटी है। देखते रहिए एडीबी लाइव।